करने की कोशिश करो। कथा है, डायग्राम दिया, पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ओ, वो कहाँ है देखो, यहाँ ये जो पॉइंट है वो है, यहाँ पर हमने एक प्लस क्यू नाम का चार्ज रख दिया। अब एक वर्क डन इन मूविंग द चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू को मैं इस पॉइंट से, माइनस कैपिटल क्यू को इस स्ट्रेट लाइन से लेके आता हूँ बी तक। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, a, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 1, 0। समझना, हम सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो ए से बी तक अगर मैं किसी भी पाथ से लेके आता हूँ तो वर्क डन तो सेम ही होता मेरे भाई। तो वर्क डन निकालने का क्या तरीका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल चेंज होगा क्यू डेल्टा वी, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि अगर ये चार्ज यहाँ पर है और ये चार्ज फिक्स है, ये तो मूव नहीं कर रहा जो ओरिजिन पे है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है और ये भी यहाँ से एक भी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं आया, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। मतलब हम लोगों का जीरो वर्क डन ए ऑप्शन सही है, बराबर। अगर ऐसे नहीं बुझा रहा तो यहाँ पे इसको लिख लो, कर लो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनली माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लिख दो माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, क्योंकि एक माइनस है, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ए, माइनस इनिशियल, इनिशियल यहाँ था पोटेंशियल एनर्जी, माइनस माइनस प्लस के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए, दोनों कट गए और कुल मिला के जीरो। तो आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने की